विवादों में रहने वाले जिला पंचायत पौड़ी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार भाजपा के ही जिला पंचायत सदस्य थैर गौरव रावत ने जिला पंचायत पौड़ी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों उनके द्वारा जिला पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद आज उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान के माध्यम से एक पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया, जिसमें मुख्यमंत्री से जिला पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच और दोषी कर्मचारी व उनके परिजनों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने कहा, अगर ज्ञापन देने के बाद जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य द्वारा कुछ शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र उन्हें मिला, वो मुख्यमंत्री को प्रेषित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मामले में जो भी दिशा निर्देश देंगे उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तरह का निस्तारण निकला माननीय जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने ज्ञापन प्रेषित किया हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है जो ज्ञापन आज मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजा हुआ है उसमें त्वरित मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। और उसमें मैंने अपने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि शासन स्तर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं अपने क्षेत्र की जनता पूरे क्षेत्र की जनता के साथ धरने पर बैठने वाला हूं और अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इस समस्याओं के समाधान के लिए अनशन भी करूंगा और इस भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ के यहां से फेंकने वाले हैं। मंत्री जी को एक ज्ञापन उनके द्वारा दिया जा रहा है, एक प्रतिनिधिमंडल अभी आया था और उस संबंध में जिला पंचायत से संबंधित कुछ आरोप उसमें उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो फर्स्टली मेरी तरफ से ये ऑनरेबल सीएम सर के ऑफिस को ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है और जो भी निर्देश आएंगे शासन स्तर से उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी।